अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अभिनयश्च स्वाध्याय प्रवचने च Members of this institute. That, I admit you, and in absentia to all those who are permitted to remain absent, to the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Philosophy,
Master of Pharmacy. By the World Customs Organization, Brussels in 2011, and awarded the Presidential Award by the Government of India in 2015. He founded Aurel Academy in 2018, an online learning platform. India Institute of Technology in Varanasi recognizes his new efforts and significant contribution to the field of public life, and it is a matter of great honor for the year 2024. IEEE Women Technologist of the Year 2020. She was awarded Best Women Scientist in CSIR National Telescopes Laboratories in 2008. Indian Institute of Technology, BEC Varanasi, recognizes our new efforts and significant contribution to the field of research and innovation in the institute. He joined Samsung Semiconductor India Research, where he received multiple awards during his tenure till 2017. During 2017-24, he co-founded Silicon System, a startup working in the semiconductor sector, designing intellectual properties and integrated circuits from India in USB Type-C and USB. In industrial production diagnosis in 2024, Sri Tar Ramakur Rashi joined the Dark for second, first in diagnosis in 2024. In mathematics and computing diagnosis in 2024. श्रीमती बिंदुआ अग्रवाल भारतीय कोई हाजिर की क्या है ये मौका प्राप्त सुधे एका बीते की श्री मुझे इंदाम करना सुधार श्री राजा को आओ निर्णय करने का भारतीय कोई हाजिर मां प्रोफेसर बिंदुआ कला और हाजिर हाजिर की क्या है इंदाम करना ये श्री राम बिंदुआ अरे एक बार रोक लीजिए सर रोक के रखिए बाद वाला सिस्टम ना रहे मान लो तो फाक क्या You are an पत्रकार मित्रगण अन्य साथीगण मैं इस पवित्र काशी इस दिव्य भूमि में आईआईटी बीएचयू की 13वीं समारोह में 13th कन्वोकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आपकी जो परंपरा रही है उसको आपने आज आगे बढ़ाया। मित्रों आप सब सौभाग्यशाली हो, काशी में जो आते हैं पढ़ने के लिए आए या जिंदगी को समझने के लिए आए, काशी अविनाशी कहा जाता है। यहां की लोक भाषा में कहावत है, आपको आज भले ही आपकी अनुष्ठान की ओर से मान्यता दिया गया होगा, तुम्हारे वो स्वीकृति पत्र लेने के लिए आया है। आप तो आपकी जिंदगी में जा चुके हैं।
आपको थोड़ा नज़दीक करा था सर, थोड़ा आपको नज़दीक चले जाइए। गुलाबी मीनाकारी है कोई उठाइएगा नहीं हाथ। और बहुत ही भव्य और जो है प्राकृतिक रूप से रिच है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल संविदा के आधार पर ही वो संचालित हो रहा है। तो क्या निकट भविष्य में सरकार की ओर से जो साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस है बीएचयू का, उसमें कुछ योजना बन रही है क्या? अभी तो प्राथमिकता है बीएचयू का। ये जो तीन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, IIT बीएचयू, बीएचयू की मूल कैंपस, और इन दिनों में पिछले 10 साल में एम्स स्तर पे जो हॉस्पिटल इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है, ये सारे तीनों को कैसे विद्यार्थियों के लिए, मरीजों के लिए तथा विशेष एडवांस रिसर्च के लिए कैसे डेडिकेट करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। सर बीएचयू तीन साल से बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चल रहा है, चल रहा है क्या ये एग्जीक्यूटिव का जल्दी हो जाएगा? सर प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट की कही है, क्या इसको कैसे देखते हैं सर? देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में इसके जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रहे हैं। सर IIT से लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी अभी यहाँ। अच्छा है, कुल कितने मेडल आपने हासिल किया है? टोटल मेरे 13 मेडल्स हैं प्लस 3 प्राइजेस। अच्छा, और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, एंड IIT में जब एडमिशन हुआ तो मैं यहाँ पे आई, एंड देन 4 साल यहाँ पे बिताए। तो 13 मेडल आपने प्राप्त किया है, तो क्या आगे क्या योजना बन रही है आपकी? अब फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, आफ्टर दैट हायर स्टडीज की प्लानिंग है, तो देखते हैं क्या होता है। ये 13 मेडल का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? ये मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, और मेरे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, थे ये उनके लिए। अपना परिचय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आदित्य कुमार नायक है, मैं जाजपुर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं पुणे में भी रहा हूँ, और मेरा स्कूलिंग सब लगभग पुणे से हुआ है, और अभी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैंने IIT BHU वाराणसी से कंप्लीट किया है। BHU का 13वां दीक्षांत समारोह था, कितने मेडल आपको मिले, कितने हासिल किया है आपने? मुझे 7 मेडल मिले हैं। कौन कौन सा मेडल है बता पाएंगे? बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मेडल था वो प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल था। वो मिलता है ओवरऑल आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स में, जो सबसे अच्छा एकेडमिक्स में होता है पूरे BHU में, सारे बैचलर्स में उनको मिलता है। कितनी खुशी है इसको लेकर, कितना? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये मेडल्स को लेकर, क्योंकि जितना काम और समय, कितना मैंने प्रैक्टिस किया था मेरे केमिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई में, उस सब का फल अभी मुझे मिल रहा है, तो उसको लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इसका श्रेय देना किसको चाहेंगे? पहले तो मेरे माता पिता को देना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे एजुकेशन में मुझे हमेशा फुल्ली सपोर्ट किया है, और उसके बाद जितने भी मेरे शिक्षक रहे हैं, जितने भी प्रोफेसर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत सहायता की है मेरी, जब भी मुझे कोई डाउट होता था वो हमेशा रहे हैं मेरा साथ देने के लिए, तो इसका श्रेय मैं उन्हें देना चाहूँगा। अभी आपका धर्मेंद्र प्रधान जी आपके मुख्य अतिथि दर्ज कार्यक्रम पे, उनसे क्या बातचीत हुई, आपसे क्या बोले और क्या बातचीत हुई? जब मैं स्टेज पर गया तब वो मुझे पहचान गए कि मैं भी ओडिशा से ही हूँ, तो उसको ही लेकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ओडिशा में कहाँ से हूँ, तो मैंने बताया कि मैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हूँ, तो उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया और बोला कि उन्हें अच्छा लगा कि ओडिशा से भी ऐसे मेडल पाए।